हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जे एच मिंच लाइफ। मैं हूँ कौशिला मिंच। और अभी देखिए सुबह का समय हो रहा है। आज सुबह से ना बहुत अच्छा मौसम दिखाई दे रहा था और धूप भी काफ़ी अच्छी खासी हो रखी थी। तो मुझे कुछ गेहूं धोने थे तो वही मैं अभी धोने के लिए आ गई हूँ। और ये वाले गेहूं ना बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं इसको, और क्या इस वजह से ना इसमें ना घुन लग गए हैं। अब मुझे पता ही नहीं चला, बिल्कुल भी नहीं पता चला। मुझे लगा ठीक ही होगा और काफ़ी पुराना भी हो गया गेहूँ। किसने लाया था मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा है, बट किसी ने ही ला दिया था। और शायद सोनल के यहाँ से आया होगा या फिर मेरे ससुराल से, मतलब यहीं कहीं से दोनों यहाँ से आया होगा। और काफ़ी दिन हो गया था, मुझे लगा कुछ नहीं होगा, लेकिन ना वो उसमें ना कीड़े लग गए थे। जो घुन होता है ना, ज़्यादा नहीं लगे थे लेकिन लग गए थे। उस वजह से देख सकते हैं पूरा जो है थोड़ा सा गंदा भी हो गया। तो इसको ना मुझे डबल मेहनत करना पड़ा। तो बस घर के सारे काम वगैरह जितने भी होते हैं ना, क्लीनिंग डस्टिंग वगैरह, खाना वगैरह सब बना के मैं इसमें लगी हुई हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि इसमें टाइम लगेगा। क्योंकि इसे चार पाँच से भी ज़्यादा मैंने वॉश किया है तब जाके ये गेहूँ साफ़ हुआ। वैसे गलती मेरी ही थी, मैंने ही ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कुछ नहीं होगा, पर शायद कहीं से छेद उद हो गया था तो उसी से हवा चला गया। उस वजह से इसमें ना थोड़े से कीड़े लग गए और फिर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ा। तो धो धा के फिर मैंने ना उसको ये ऊपर छत में डाल दिया ताकि जल्दी सूख जाए। और मौसम तो ठीक था इस वजह से। और अभी देखिए मुझे ये जो है फ्रिज के सारे पार्ट्स जो मैंने निकाल दिए थे वो मुझे सेट करने हैं, क्योंकि मैंने कल सेट नहीं किया हुआ था। क्योंकि मैंने जानबूझ के सेट नहीं किया था, क्योंकि मुझे एक दिन पूरा खुला फ्रिज को छोड़ना था। खुला नहीं, मीन्स इस तरह से खाली, करीब 1 से 1.5 घंटा के लिए मैंने ऑफ़ करके भी खोल के, मतलब खोल के रख दिया था। इसके दोनों डोर खोल दिए थे, फ्रीजर के भी और फ्रिज के भी, थोड़ा सा फ्रेश एयर जाने के लिए, मतलब थोड़ा फ्रेश लगेगा इस वजह से। क्योंकि देखिए हम इंसानों को जिस तरह से एक होता है ना, थोड़ा फ्रेश एनर्जी, फ्रेश एयर की ज़रूरत होती है, उसी तरह मशीन वगैरह को भी हमको लगता है थोड़ा सा चाहिए, थोड़ा उनको आराम चाहिए, हमेशा काम में इस्तेमाल नहीं लाना चाहिए। तो मैंने पूरा अच्छे से डीप क्लीन किया हुआ था, तो सोचा कि चलो एक दिन रेस्ट दे दिया जाए फ्रिज को। इस वजह से मैंने कुछ भी नहीं रखा था। और अभी देखिए आगे से मैं इसमें सारा की चीज़ सेट करने के लिए, और सेट करने के टाइम थोड़ा बहुत हमको लगा कि दिक्कत होगा, शायद नहीं लगेंगे मुझसे ईजली, तो खुल गए लेकिन शायद नहीं लगेंगे मैंने सोचा, बट उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा, आराम से ये एडजस्ट हो जाते हैं। और ये जब मैं सेट कर रही थी ना, तब मेरे दिमाग में एक बात याद आ गई, तब आज मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ वो चीज़। आप लोग को हंसी भी आएगी क्योंकि मुझे भी हंसी आ रही थी। एक्चुअली बात यह है कि पहला मूवी या फिर कोई क्राइम सीन वगैरह में दिखाता था ना कि डेड बॉडी को फ्रिज में डाल दिया जाता है, फ्रिज में छुपा दिया जाता था। तो मैं सोचती थी कि आखिर फ्रिज में कैसे डाल दिया जाता है, मतलब क्या अलग फ्रिज आता है इस तरह से, मुझे समझ ही में नहीं आता था। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता था कि उस समय कि ये जो फ्रिज के पार्ट्स हैं वो निकलते हैं बाहर। मैं पहले भी जब स्टार्टिंग में फ्रिज आया हुआ था ना घर में, तो मैं सिर्फ कपड़े से पोंछ देती थी। तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि ये सारे पार्ट्स निकलेंगे बाहर, सारा चीज़ निकाल के आप अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तब मैंने भी उनको कहा कि अच्छा, ये तो इसे हटा के ही आदमी को डाल दिया जाता था डेड बॉडी वगैरह को। तो बहुत उनको भी बहुत काफ़ी ज़्यादा हंसी आई कि हाँ ये सारा चीज़ निकल जाता है। तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रहा था कि अच्छा, हम तो नहीं जान, उनको पता ही नहीं था ये हम उनको बोल रहे थे। तो वही चीज़, वही बात उनको ना ये भी याद आ गया और उनको बहुत ज़्यादा हंसी भी आ रही थी। और यहाँ देखिए मेरा जो फ्रिज का काम है वो क्लीन हो गया है, मेरा पूरा सेट हो गया है और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, रिलैक्स फील हो रहा था। मतलब कुछ भी काम में लगो और वो कंप्लीट हो जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ चलो आज ये काम कम्प्लीट हो गया, अब किसी चीज़ का कोई टेंशन नहीं है। कम से कम 2 वीक तो ये ईजिली आराम से रहेंगे। वीक में जैसे सब्जी वगैरह ख़त्म हो जाते हैं ना, तो मैं सिंपल सादे कपड़े से ही पोंछ देती हूँ एकदम। और डीप क्लीन तो मंथ में एक बार करती ही हूँ जब भी मुझे मौका मिलता है, लेकिन मंथ में एक बार ज़रूर कर लेती हूँ। और यहाँ देखिए फ्रिज का काम कंप्लीट करने के बाद, ये आज के ही धुले हुए कपड़े थे जो रेगुलर हम लोग पहनते हैं, वही सारे कपड़े थे और बाबू के थे, हमारे थे, तो वही मैं यहाँ पर फोल्ड कर दे रही हूँ। और यहाँ देखिए फोल्ड मेरा कपड़ा हो चुका है। इसके बाद मैं यहाँ थोड़ा सा बाबू को पढ़ाने के लिए बिठा देती हूँ, क्योंकि उसे भी कुछ ना कुछ सिखाना जरूरी है। ये क्या है? ओ, कट गया। ये क्या है? ये तकाली।
क्या गाड़ी है ये? ट्रेन, साइकिल, मोटरसाइकिल, एरोप्लेन, उड़ना है, उड़ना है, उड़ना है। क्या है? कंगारू। एक आने बच्ची है। हाँ, कंगारू का बेबी है इसमें। कौ हमको क्या देती है? मिल्क। कौ क्या देती है बेटा? कम से कम मैं कोशिश करती हूँ कि रेगुलर इवनिंग में कम से कम एक घंटा, क्योंकि बच्चे एक घंटे से ज़्यादा नहीं बैठते हैं, तो एक घंटा कोशिश करती हूँ बिठाने की और कुछ कुछ चीज़ें सिखाने की। तो उसको बिठाने के बाद, पढ़ाने के बाद यहाँ मैं आ गई हूँ किचन, और ये जो घर के ही भिंडी निकले थे ना, वही भिंडी आलू की सब्ज़ी आज मैं बना रही हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाने वाली हूँ मैं। तो यहाँ मैंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मस्टर्ड ऑयल से प्याज और मिर्च हल्का भूनने के बाद आलू और भिंडी मैंने डाल दिया है। उसको करीब 5 मिनट मैंने बिना नमक के, बिना मसाले के मैंने हल्का से पहले भूना है। उसके बाद में यहाँ पे मसाले, जितने भी सूखे मसाले हैं वो सारा मैं ऐड कर रही हूँ, जैसे हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। इससे ज़्यादा कोई भी मैंने मसाले ऐड यहाँ नहीं किए हैं, और नमक बिल्कुल भी नहीं डालना है। आप सभी को पते होंगे क्योंकि भिंडी फिर नमक डालने पर पानी छोड़ने लगती है और फिर वो बहुत ज़्यादा गल जाती है और एक भी टेस्टी नहीं लगता है। लेकिन इस तरीके से आप बनाइएगा ना भिंडी, तो आपके भिंडी बिल्कुल एकदम ग्रीन लगेंगे, मतलब जो उनका ओरिजिनल कलर है ना वो बिल्कुल भी नहीं जाएगा और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और दिखने में तो टेस्टी लगेगा ही, प्लस खाने में भी टेस्टी लगेगा। और यहाँ देखिए, हल्का मसालों के साथ सब्जियों को भूनने के बाद मैं यहाँ डाल दे रही हूँ टमाटर, छोटे सा है मीडियम साइज का, तो इसको भी बिना पानी के ही ढक के छोड़ देंगे, वो खुद ही गल जाएंगे। करीब 2-3 मिनट के बाद आपको ढक्कन हटाना है। तो यहाँ देख सकते हैं मेरा जो सब्ज़ी है वो पूरा अच्छे से, टमाटर भी गल चुका है और सब्ज़ी बिल्कुल बन के रेडी है। तो फ्रेंड्स, कैसी लग रही है, कैसी लगी मेरी सब्ज़ी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पर लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन का जो बटन है उसको क्लिक कर दीजिएगा, ऑल के बटन पे क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको फटाफट से मिल जाए। तो यहाँ मेरा सब्ज़ी बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। तो यहाँ मैंने लास्ट में नमक डाल दिया था पर वो मुझसे छूट गया, तो उसके बाद मैंने यहाँ कर दिया है गैस ऑफ। और अभी मैं आगे रोटी बनाने के लिए, और किचन में जब भी हम लोग आते हैं ना, मतलब खासकर हाउसवाइफ जिनके बच्चे हैं, छोटे बच्चे, तो ऐसा नहीं होता है कि किचन का सारा काम करके ही किचन से बाहर निकलना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। बीच बीच में हमें जाना ही होता है, क्योंकि देखना ही होता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो वही मेरा बाबू भी ना तंग करते रहता है हमेशा, तो उसके वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है। आधे घंटे में सारा चीज़ बन जाएगा, लेकिन एक एक करके बनाने के चक्कर में और उसको देखने के चक्कर में भी ना मुझे ज़्यादा समय लग जाते हैं। एक घंटा तो नहीं, करीब 30 से 40-45 मिनट लग जाते हैं, और हम लोग तभी कम ही कोई हैं तो इसे कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट से बना लेती हूँ और फटाफट से खिला भी देती हूँ बच्चों को। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ रोटी बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा हो गया है रोटी, लास्ट है ये लगभग, और देख सकते हैं बाबू फिर से परेशान करने आ गया है मुझको, और वो बोलता है ना कि हमको भी रोटी बनाना है, हमको भी रोटी बनाना है। तो मैंने कर दिया, लो भैया बनाइए। बच्चों को कभी कभी उनकी मर्ज़ी की करनी भी देना चाहिए, हर काम में रोक टोक नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ता है और उनको अच्छा भी लगता है और हमें भी अच्छा लगता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ बाबू बना रहा है रोटी मेरे साथ, तो बहुत हंसी भी आ रहा था फ्रेंड्स। और इसकी वजह से ना मुझे आगे कोई शूट जो है ना, कोई भी वीडियो मैंने शूट ही नहीं किया, मतलब रिकॉर्ड ही नहीं किया, इस वजह से मेरा ब्लॉग जो है यहीं तक था। मुझे लग रहा था कि आधा अधूरा है, पर मैं क्या करूँ, सॉरी इसके लिए। और आज का ब्लॉग मेरा यही था, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।